जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का जो है फाइनल कट ऑफ जारी कर दिया गया है, और कट ऑफ भाई इस बार बवाल कट ऑफ गया है दोस्तों। यदि आप एसएससी सीएचएसएल 2023 का फॉर्म भर रहे हैं या फिर भर चुके हैं, तो आपके लिए ये वीडियो देखना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अब दोस्तों आप लोगों को कितना मार्क्स लाना होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, अब इतना लाना होगा। तो कितना लाना होगा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों ये वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक दोस्तों जरूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, यही वाला वो नोटिफिकेशन है जो एसएससी के द्वारा सीएचएसएल 2022 के लिए जारी किया गया दोस्तों। टोटल दोस्तों कितना कट ऑफ गया आपको हम यहाँ पर बताते हैं। आप लोगों को दोस्तों जैसा कि पता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% रखा गया है जनरल कैंडिडेट का, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों का 25% है, और बाकी का दोस्तों यहाँ पर 20% क्वालिफाइंग मार्क्स दोस्तों रखा गया है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि द कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर अपियरिंग इन टीयर टू एग्जामिनेशन आर एस फॉलो। यानी दोस्तों यहां पर जो कैटेगरी वाइज यहां पर कट ऑफ आप लोगों का दिया गया है और कितने स्टूडेंट यहां पर क्वालिफाई किए हैं, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए यहां पर कैटेगरी, इधर है कट ऑफ मार्क्स और यहां पर कैंडिडेट अवेलेबल। सबसे पहले बात करेंगे यूआर यानी जनरल कैटेगरी का दोस्तों 157.72 यानी दोस्तों लगभग 158 कट ऑफ चल गया है। जनरल वालों का दोस्तों देख सकते हैं कितना हाई कट ऑफ गया है 157, और इस पर 5496 विद्यार्थियों ने क्वालिफाई किया है। एससी की बात करेंगे दोस्तों तो 135 कट ऑफ गया है 135.46, इस पर दोस्तों 7414 स्टूडेंट क्वालिफाई किए। एसटी का आप देखिए 125 कट ऑफ गया है दोस्तों, 125 से कुछ ज़्यादा ही गया है पॉइंट में, 3179 विद्यार्थी यहाँ पर क्वालिफाई किए हैं। ओबीसी का कट ऑफ देख सकते हैं दोस्तों, ओबीसी का कितना गया है 153, जो कि जनरल से दोस्तों कुछ ही कम है, ठीक है। इस पे 12,960 विद्यार्थियों ने क्वालिफाई किया है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 151 दोस्तों, देखिए जनरल वाले, ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले, इनका दोस्तों कट ऑफ लगभग समान ही जाता है। तो यहां पर यूआर का 157, ओबीसी का 153, ईडब्ल्यूएस का 151। ईएसएम में बात करेंगे दोस्तों, इस पे 97 कट ऑफ गया है। ओएच में यहां पर 122, एचएच में दोस्तों 86 कट ऑफ है, वीएच में 138 है, और पीडब्ल्यूडी एंड अदर्स में दोस्तों 83.1 कट ऑफ गया है। टोटल दोस्तों क्वालिफाई किए हैं 40,224 विद्यार्थियों ने इस पे क्वालिफाई किया है, और दोस्तों कैटेगरी वाइज यहां पर देख सकते हैं कितने विद्यार्थियों ने क्वालिफाई किया है। और दोस्तों यहां पर आगे आप लोगों को बताना चाहेंगे हम देख सकते हैं कि टीयर टू का जो एग्जाम है वो कब होने वाला है। देखिए दोस्तों, आप लोग हमेशा पूछते हैं कि सर कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए मैथ का कौन सा बुक पढ़े, तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को एसके यानी श्री कृष्ण पब्लिक का बुक ले लेना है। इस पे क्या है कि अंक गणित और एडवांस दोनों इस पे दिया गया है, जो कि मैथ का शॉर्टकट ट्रिक का यूज किया गया है इस पे बहुत ज्यादा, ठीक है, जो कि आपका एसएससी रेलवे और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट होगा। और इस बुक की खासियत क्या है दोस्तों कि इस पे 3300 से ज्यादा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अभी तक का एसएससी रेलवे में और पुलिस में जितना भी तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसका शॉर्टकट ट्रिक से आपको इस पे आंसर भी देखने को मिलेगा कि कैसा क्वेश्चन आया था, उसको शॉर्टकट ट्रिक से आप कैसे बना पाइएगा। तो इस बुक की बहुत सारी खास बातें हैं दोस्तों, ठीक है, और इस पे गलती होने की कोई संभावना नहीं है, काफी अच्छा कलेक्शन इस पे मिल जाएगा। और ये बुक जो दोस्तों इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, तो आप इसको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी आप इसको खरीद सकते हैं, या फिर आप इसको नजदीकी किताब दुकान में जाकर के मार्केट से भी ले सकते हैं। 26/6/2023 आप लोगों का एग्जाम डेट यहां पर दोस्तों रखा गया है 26/6/2023, और कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द वेबसाइट ऑफ द कमीशन रेगुलरली फॉर चेंज इन द शेड्यूल। कुछ भी बदला होगा तो वेबसाइट पे दोस्तों डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर मार्क्स एंड फाइनल आंसर की ऑफ द कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ऑन द कमीशन वेबसाइट, ठीक है, एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत जल्द दोस्तों मार्क्स भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि 2023 में जितने विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनका कट ऑफ जो है वो कितना जाने वाला है। तो इतना मान के चलिए कि दोस्तों अभी तो फिलहाल आप लोगों को इतना ही टारगेट लेकर के चलना होगा कि इतना यदि कट ऑफ चला गया है तो आगे आने वाले समय में दोस्तों आप लोगों का कट ऑफ इतना ही आप लोगों को लाने की कोशिश करना है, ठीक है। 157 जो रखा गया है तो इतना मान के चलिए कि मुझे 160 नंबर तक दोस्तों लाना है किसी भी हाल में, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ आपके सामने है कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। तो दोस्तों काफी अच्छा अपडेट हमने आप लोगों को दिया, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बराबर दोस्तों जो भी छोटा
बड़ा अपडेट आएगा हम आप लोगों को चैनल पर बताते रहेंगे। तो दोस्तों आप इस पीडीएफ को यदि लेना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों मोहन सर के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक है। और ये पीडीएफ हम दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को शेयर कर देते हैं। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।